हाँ जी, सत श्री अकाल कॉपी टू ऑल, वेलकम टू व्लॉगर, आई एम अनमोल सिंह। सो अज असी गल करन लगे हां जी मेरे इमीग्रेशन एक्सपीरियंस दी, दिल्ली तो मेलबर्न दी, ते मेरा फ्लाइट एक्सपीरियंस ते सब कुछ। मतलब मैंने बड़े कमेंट आ रहे थे इमीग्रेशन से की क्वेश्चन पूछा सी, मैं पहला मतलब वीडियो बनाई नहीं सी जो मैं आया सी, हुण मैं मतलब वीडियो तां बना रहा क्योंकि मैंने कमेंट बहुत सारे आ रहे हैं कि हाँ इस ते वीडियो बनाओ, ते मैं इस ते वीडियो बना लगा, ते हुण मतलब मैं तुहानू दसना चाहना ए टू जेड जो भी कुछ होया। जिस तरह मैं इतों दिल्ली तो एंटर किया, उत्थे जिहड़े इमीग्रेशन वाले हुंदे ने उन्होंने मेरे तो क्वेश्चन कोई भी नहीं पूछा, उन्होंने सिर्फ मेरे तो डॉक्यूमेंट मंगे, वीज़ा पासपोर्ट COE ऑफर लैटर, जिहड़े मतलब जो मैं क्वांटस की फ्लाइट पर बैठन लगा सी उन्होंने मेरा चैक ऐड़ा समान सारा चैक किया, मतलब ऐडे डॉक्यूमेंट्स चैक किए, उतों मैं बैठ गया, उन्होंने मेरे तो कोई क्वेश्चन नहीं पूछा। तो इमीग्रेशन वाले आप दिल्ली तो कुछ नहीं पुछ, दिल्ली तो मैंने लगता कुछ भी नहीं पुछते किसी तो। उस तो बाद जिस तरह मैं फ्लाइट से बैठा, उन्होंने मैं एक इनकमिंग पसेंजर कार्ड दिता। इनकमिंग पसेंजर कार्ड के होंगे कि आप जो जो समान लैके जा रहे हैं नाल उनकी सारी डैक्लेरेशन होंगी है, तो अपनी बॉडी के रिलेटिड क्वेश्चन पूछे होंगे ने, तुहानू कोई बीमारी तो नहीं, ट्यूबरकलोसिस एक शायद क्वेश्चन से पहला ट्यूबरकलोसिस है, या मतलब कोई इस तरह की तुहानू कोई कफ, या मतलब हुण करोना का टाइम चल रहा है उदों उन्होंने यही पूछा कि हाँ तुहानू कोई कफ या मतलब कोई जुखाम या इस तरह की कोई चीज़ तो नहीं गी, वह भी शायद एक क्वेश्चन में उन्होंने ऐड किया इनकमिंग पैसेंजर कार्ड के। होर अपना रिलेटिड टू समान होंगे कि तुहाडे कोल कोई तिखी चीज़, तुहाडे कोल कोई मैडिसिन हैगी तां उहदी प्रिस्क्रिप्शन तुहानू डॉक्टर तो लिखवानी पेगी, हाँ भी असी मैडिकल की मतलब यह दवाई लैके जा रहे हैं, वो सब कुछ तुहानू पता ही है, तुहानू याद ही होना। उस तो बाद कोई सीट नहीं लैके जा सकते है ना, ये फ्लाइट का एक्सपीरियंस ही मेरा। तो फ्लाइट मेरी दिल्ली तो मेलबर्न डायरैक्ट फ्लाइट सी, तो उस तो बाद जो मैं मेलबर्न च उतरिया तो अगे इमीग्रेशन वाले ने सब तो पहला मतलब मेरे सारे डॉक्यूमेंट चैक किए, जिमें वीज़ा COE ऑफर लैटर पासपोर्ट, फिर पासपोर्ट उन्होंने मेरा पासपोर्ट फड़िया, एवं पासपोर्ट फड़ के उन्होंने मेरी इमेज मतलब इमेज चैक की, हाँ भी मेरी उन्दे नाल मिल रही है, फोटो मिल रही है। फोटो मिलने तो बाद मतलब उन्होंने मैनू क्लीयर करता सी उत्थों, क्लीयर करके उस तो बाद नाल दी नाल फिर मैं बाहर आ गया। बाहर मतलब जी बॉर्डर फोर्स खड़ी हुई सी, मतलब उस टाइम जदों मैं आया सी, उस टाइम का मैं एक्सपीरियंस तुहानू दसना कि उस टाइम ना जिस तरह ऑस्ट्रेलिया ने नवे नवे बॉर्डर खोले सी, उस टाइम मतलब उन्होंने ऐस कोई इन्ना मतलब क्वेश्चन नहीं कर रहे सी, क्योंकि उन्होंने स्टूडेंट चाहिए सी, तो इन्नी ज़्यादा हार्ड मतलब चैकिंग नहीं हो रही थी उस टाइम, मतलब नॉर्मल सिर्फ कुछ भी नहीं पूछ रहे, किसी तो कुछ पूछा भी नहीं, कईयों तो एवं ही लंघ गए बस, उन्होंने एक बार पासपोर्ट चैक किया कहते जाओ। तो जिस तरह मैं एंटर किया तो मेरे तो उन्होंने मतलब मेरे डॉक्यूमेंट वेखे, मेरा पासपोर्ट वेख्या, बॉर्डर फोर्स वाला मतलब जो पुलिस अफसर से जो भी सी मतलब बाहर खड़िया से उन्हें मेरे तो पूछा। उस तो बाद उन्हें पूछा कि तू कि सिटी में जा रहा, मैं क्या कि मैं ब्रिस्बेन सिटी में जा रहा, तो वो कहना भी तू मेलबर्न क्यों आया, मेलबर्न मैं क्या कि मैं ब्रिस्बेन कोई जानता नहीं मेरा फ्रेंड, तो इस करके मैं मेलबर्न एंटर किया। मेलबर्न मैं 14 दिन रहांगा, उस तो बाद मैं ब्रिस्बेन जावांगा, क्योंकि उस टाइम एक रिस्ट्रिक्शन चल रही थी कि जे आप डायरैक्ट क्वींसलैंड जाने तो आपू क्वारंटाइन करना पैना, तो जे आप 15 दिन मेलबर्न के रह के जाने फिर आपको नहीं करना पैना। सो मैं मेलबर्न आ गया, मेलबर्न नहीं, उस तो बाद मैं मतलब मेलबर्न उन्होंने दसा कि मैं हाँ मेलबर्न आया, तो उन्हें मेरे तो पूछा कि हाँ भी मतलब तेन कौन लैन वास्ते आ रहा है, मैं क्या कि मेरा फ्रेंड लैन आ रहा मैनू, तो उन्हें सिर्फ मैं यही क्वेश्चन पूछा। तो उस तो बाद स्टडी बारे उन्हें मैं कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, उन्हें कोई क्वेश्चन मैं फंड्स बारे नहीं पूछा, कोई क्वेश्चन मैं फीस बारे नहीं पूछा, कोई कोर्स बारे नहीं पूछा, कोई कोर्स का फ्यूचर की है कुछ भी नहीं पूछा मेरे तो। इमीग्रेशन तो थोड़ा जहा कॉन्फिडेंट होकर रहना पैना, तुम्हें क्वेश्चन तो कोई भी इन्ना औखा कोई भी नहीं मतलब होंगे, थोड़ा जहा कॉन्फिडेंट होकर रहो, तो मतलब एवं जेनुअन जहा होकर रहो। तो जेडे मतलब बच्चों ने पेरेंट्स जो आते हैं है ना, पेरेंट्स को इंग्लिश नहीं आती उन्होंने वास्ते, उन्होंने मतलब जोड़ा इनकमिंग पैसेंजर कार्ड से वह हिंदी तो पंजाबी भी अवेलेबल से, तो सारिया लैंगुएजेस हैगा सी, तो उत्थे मतलब हैल्प करने भी होंगे ने, जे मतलब कोई पेरेंट्स जो मतलब आपको इंग्लिश नहीं आती है ना, ज़्यादातर पंजाब तो जोड़े जिन्हें भी पेरेंट्स आते हैं एक मतलब कई एवं होंगे ने जहाँ इंग्लिश नहीं आती ज़्यादातर होंगे ने है ना, तो उन्होंने वास्ते मतलब स्पैशल मतलब उत्थे बिठाए होंगे ने, उन्होंने तो क्वेश्चन पूछते हैं। मेरे नाल जिवें मैं एंटर किया तो मेरे नाल एक आंटी सी, मतलब उन्होंने कुछ नहीं पता सी मतलब भी की डॉक्यूमेंट देने, मैं उन्होंने मैनू जिम इमीग्रेशन वाले ने कहा सी सानू ऐ 5 डॉक्यूमेंट कढ़ के रखो, मैं उन्होंने भी उही 5 डॉक्यूमेंट मैं कहा तुसीं आंटी जी कढ़ के रख लो तो उन्होंने दिखा दिओ, वो मेरे तो अगे सी उन्होंने मतलब दिखाए उन्होंने भेजता। उस तो बाद क्या कि मैं गया, मेरे तो बस उही एक ही क्वेश्चन पूछा कि हाँ भी तुसीं किधर आए हो मेलबर्न। तो होर मैं तुहानू एक होर गल दसना चाहना, जिस तरह तुहाडे तों जे क्वेश्चन पुछणगे तो मेन क्वेश्चन यही पुछणगे बई किहड़ी सिटी च आए हो, ठीक है, तो किहड़ा कोर्स है, कोर्स के अकॉर्डिंग तुहाडे मतलब कोर्स के रिलेटिड तुहानू सारी नॉलेज होनी चाहिए है, जे तुसीं इमीग्रेशन दे विचों लंघना है
है ना, इमीग्रेशन कोर्स के रिलेटिड सारी इंफॉर्मेशन पहले ही लैके रखियो थोड़ी जी, क्योंकि हुण जिस तरह आस्ट्रेलिया की बॉर्डर मतलब कादे खुले हो गए हैं है ना, हुण थोड़ा स्टूडेंट वीज़ा उन्होंने थोड़ा जहा घट करता होल्ड जहा करता, तो इस करके मतलब अपना स्ट्रिक्ट मतलब अपना मतलब पूरा प्लैन तरीके आयो तो अपना डैक्लेरेशन भी तरीके भरियो ता ही तुहानू मतलब एंट्री पूरी सौखी मिल जाएगी। बट तुसी कॉन्फिडेंट होकर रहना, कोर्स का मतलब पूरी नॉलेज होनी चाहिए है, फंड्स की पेरेंट्स बारे सब कुछ जो भी पूछणगे तुहानू मतलब एन टपा टप होना चाहिए काम तो क्या कि सारा ए टू जैड नॉलेज होनी चाहिए मतलब कोर्स के बारे। तो इमीग्रेशन के मतलब ज़्यादा कोई इन्ना हार्ड है नहीं सी, जो मैं किया उदो मतलब कोई इन्ना हार्ड उन्होंने कुछ क्वेश्चन नहीं पूछा, तो आही सी मेरा इमीग्रेशन एक्सपीरियंस। तो हुण आपां मिलदे आपां नैक्सट वीडियो दे विच, जे कोई होर वीडियो कोई क्वेश्चन कोई भी पूछना है जां कोई वीडियो चाहिए है मैनू लगातार कमेंट मतलब 7-8 आ जाएंगे तो मैं वो वीडियो बना दाँगा है ना। तो यह सी मेरा इमीग्रेशन एक्सपीरियंस, तो आपां मिलदे हुण नैक्सट वीडियो विच। जे चैनल चंगा लगता है तो सबसक्राइब कर लो।